हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस प्रैक्टिकल के सीरीज़ में, जिसमें हम पेपर फर्स्ट के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन थर्ड कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, यूज़ द फाइल फर्स्ट टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ठीक है, फॉलोइंग ऑपरेशंस क्या है? पहला ऑपरेशन जो परफॉर्म करने को आपको कह रहा है वो है मेक द फर्स्ट लाइन ऑफ डॉक्यूमेंट बोल्ड। ओके, तो चलिए चलते हैं डॉक्यूमेंट में। इसमें क्या कह रहा है, आपका जो फर्स्ट लाइन है उसको बोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे सेलेक्ट, देन यहाँ पर जाएंगे हम बोल्ड में। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस बी सेलेक्ट करने के बाद, तब भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, मेक द सेकेंड लाइन इटैलिक। क्या करना है टेक्स्ट के अंदर, हमें जो सेकंड लाइन है उसे हमें करना है इटैलिक। तो हम कर लेंगे यहाँ पर फिर से सेकंड लाइन को सेलेक्ट, और यहाँ पर हम जाएंगे टूल बार के अंदर इटैलिक्स के। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करें तो कंट्रोल प्लस आई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है अंडरलाइन द थर्ड लाइन। आपको थर्ड लाइन को क्या करना है टेक्स्ट के अंदर, अंडरलाइन करना है। तो आइए डॉक्यूमेंट में आते हैं और हम करते हैं थर्ड लाइन को सेलेक्ट। ओके, फिर यहाँ पर जाकर के हम उसे कर देंगे अंडरलाइन, और उसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस यू। हो गया आपका लाइन अंडरलाइन। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर जो पूछ रहा है उसमें, जो आपका ऑपरेशन है डी नंबर का, वो कह रहा है अलाइन टू सेंटर। आपका जो टेक्स्ट गिवन है उसे सेंटर में अलाइन करना है। आइए चलते हैं टेक्स्ट के अंदर अपने, या डॉक्यूमेंट में। आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आप जा कर के अलाइन सेंटर कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट आपका सेंटर में अलाइन हो गया है। चलिए चलते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ। कह रहा है मेक द फ्रंट कलर ऑफ द फर्स्ट लाइन एज रेड। फ्रंट लाइन जो है, सॉरी, फर्स्ट लाइन को रेड कलर से करना है। ओके, फ्रंट कलर जो है उसका रेड रखना है। आइए डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं हम, फर्स्ट लाइन को कर लेंगे हम यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ पर जा कर के हम उसका फ्रंट कलर चेंज कर देंगे। ओके, रेड हो गया है फ्रंट कलर इसका। अब चलिए चलते हैं अगले ऑपरेशन पे जो हमें परफॉर्म करना है, चेंज द फ्रंट स्टाइल ऑफ फिफ्थ लाइन टू एरियल। यानी फिफ्थ लाइन जो है डॉक्यूमेंट की या टेक्स्ट की, उसे एरियल करना है। चलिए चलते हैं फिर से डॉक्यूमेंट के अंदर। चलिए 1, 2, 3, 4, ये है आपके फिफ्थ लाइन, इसे करेंगे हम सेलेक्ट। तो यहाँ पर जाएंगे हम फॉन्ट नेम में, और यहाँ पर जाएंगे एरियल के अंदर, और कर देंगे आपकी फिफ्थ लाइन एरियल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चेंज द सेकेंड लाइन टू 18 पॉइंट्स। चेंज द सेकेंड लाइन टू 18 पॉइंट्स। 18 पॉइंट्स मतलब इसकी जो साइज़ है फॉन्ट साइज़, उसे 18 करनी है, किसकी, सेकेंड लाइन की। चलिए करते हैं सेकेंड लाइन को अब हम सेलेक्ट। तो आपका सेकेंड लाइन हो गया है सेलेक्ट, और यहाँ पर जा कर के हम कर देंगे 18 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं, इंसर्ट द डेट एंड टाइम एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे, यानी शुरू में डेट और टाइम को इंसर्ट करना है। ओके, चलिए चलते हैं, ये है स्टार्ट, और यहाँ पर जाएंगे हम इंसर्ट के अंदर, यहाँ से जाएंगे हम फील्ड के अंदर। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा डेट का, तो यहाँ पर डेट इंसर्ट हो चुकी है, थोड़ा स्पेस दे देंगे, फिर हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर वापस, फिर से जाएंगे फील्ड में, और यहाँ पर आपको टाइम शो रहा होगा, फिर हम टाइम को भी इंसर्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने ऑपरेशंस क्वेश्चन थर्ड में दिए गए थे हमने वो सारे कंप्लीट किए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।